हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, ठीक हो। तो मैं आज आ गई हूँ जोका में, जोका का एक अमेजिंग प्रोजेक्ट लेके, जिसका नाम है ऑर्चर्ड गोदरेज 7। जोका मेट्रो स्टेशन से प्रोजेक्ट का डिस्टेंस है ओनली 1.2 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं हम लोग जोका मेट्रो स्टेशन से इस प्रोजेक्ट तक कैसे आ सकते हैं। अभी पहुंच गई हूँ गोदरेज 7 का जो मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट है उसका सामने। तो आप लोग देख पा रहे हैं यही है मेन गेट, मेन एंट्रेंस। तो ये है डीएच रोड, ये जो है ये डीएच रोड। देखिए इधर से जो आप मेरा राइट हैंड साइड में जाइएगा तो आपको मिलेगा जोका मेट्रो स्टेशन। तो व्यूअर्स आप देख पा रहे हैं एकदम हम लोग का जो मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट है उसका सामने ही, एकदम डीएच रोड का ऊपर ही हम लोग का ये प्रोजेक्ट है। तो मेरा राइट हैंड साइड में अगर आप सीधा जाइएगा तो आपको जोका मेट्रो स्टेशन मिलेगा, जो कि यहाँ से 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। और इधर से अगर आप जाते हैं तो इधर आपको डायमंड हार्बर चल जाइएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड से सीधा जाते हुए। तो चलिए अभी हम लोग प्रोजेक्ट का अंदर जाते हैं और प्रोजेक्ट का जो पूरा ओवरव्यू है उसको मैं आपको सब दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, इस प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू है मैंने आपको डेमो का थ्रू दे दिया है। तो अभी मैं आपको रूम टूर देने जा रही हूँ। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं 2 BHK का जो रूम टूर है। तो मेरे साथ आइए, ये है हम लोगों का मेन जो रूम का जो डोर, ठीक है। यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पर पहले आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए एक कैमरा है, ये गोदरेज का ही है। आप आइए, यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद आप आके पहले देख सकते हैं इधर गोदरेज का जो है हम लोग का सिक्योरिटी दिया हुआ है। देखिए इससे हम लोग का पूरा फंक्शनिंग होता है। जो बाहर कोई आता है, अगर बाहर कोई आपके पास आता है तो इधर से आप उसके साथ बात कर पाइएगा, उसको पहले इधर आप देख पाइएगा कि कौन है आपका डोर पे, उसके बाद आप डोर ओपन कर सकते हैं।
तो ये हम लोगों का लिविंग कम डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आपको इधर जो है सोफा सेट आप रख सकते हैं, वैसे सजा सकते हैं। आपको यहाँ पे सेमी फर्निश्ड मिलेगा, आपको कोई भी फ्लैट आपको डिलीवर होता है तो आपको वो सेमी फर्निश्ड मिलेगा। तो पहले आपको दिखा देती हूँ, ये है हम लोग का लिविंग कम डाइनिंग रूम, ठीक है, जहाँ पे ये आपको 10x15 का आपको ये पैसेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप डाइनिंग का जो सेट है यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टीवी यूनिट दिया गया है पूरा। आप ऐसे करके लिविंग एरिया का अंदर आप टीवी यूनिट रख बना सकते हैं। तो इधर अभी देखिए हम लोग का इधर बैल्कनी भी दिया गया है। बैल्कनी से आप बाहर आते हैं तो इधर आपको एक ग्रीनरी व्यू मिलेगा, ठीक है। ये आपका स्पेसियस बैल्कनी है, बैल्कनी में बहुत जगह है। इधर आप चाहते हैं तो गार्डनिंग भी आप कर सकते हैं। तो इधर अभी तो ये डेमो है, इसीलिए आपको बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये जब आपको जब बना के कंपनी देगा तो इधर आपको पूरा ग्रीनरी मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग का प्रोजेक्ट का खासियत है कि आप शहर में रह के भी नेचर का एक टच मिलेगा। तो अभी हम लोग लिविंग रूम से अभी जा रहे हैं हम लोग किचन की तरफ। तो इधर हम लोग सीधा इस लॉन से आगे आते हुए हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का पड़ रहा है किचन। तो किचन का साइज देखिए बहुत स्पेसियस है, इसमें दो आदमी आराम से इधर काम कर पाएगा। इधर देखिए स्पेसियस जगह दे दिया गया है, इधर पूरा मॉड्यूलर किचन दिया गया है, और इधर कुकटॉप के लिए इधर जगह बना दिया गया है, इधर सिंक के लिए जगह बना दिया गया है, और बहुत स्पेसियस है। देखिए इधर कुछ भी आप सामान वगैरह रख सकिए, ठीक है। और इधर एक एग्जॉस्ट भी दिया गया है इधर। और किचन से हम लोग बाहर आते हुए इधर और एक हम लोगों को बैल्कनी मिलता है, जो कि हम लोगों का यूटिलिटी स्पेस, ठीक है। इसमें इधर देखिए वॉशिंग मशीन का इधर जगह दिया गया है, आप चाहे तो इधर वॉशिंग मशीन जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप आपका मन पसंदीदा कोई भी स्पेस आप इधर बना सकते हैं। हम लोग किचन से निकल के आ रहे हैं हम लोग का फर्स्ट बेडरूम का तरफ। तो ये हम लोग का फर्स्ट बेडरूम, ठीक है, जो कि 10x10 का आपको मिलेगा। यहाँ पे स्टडी के लिए एक टेबल दिया गया है, इधर हम लोग का बेड है, यहाँ पे एक बड़ा विंडो दिया गया है। तो इधर आप लोग देख पा रहे हैं वार्डरोब भी दिया गया है, जो कि बहुत स्पेसियस है, देख पा रहे हैं एकदम सीलिंग तक इसका हाइट है, इसका हाइट बहुत अच्छा है। तो आप इधर बहुत सामान स्टोर कर सकते हैं, और इधर देखिए कैबिनेट भी आप रख सकते हैं, ऐसे करके आप सजा सकते हैं आपका घर को, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट बेडरूम। तो अभी हम लोग फर्स्ट बेडरूम का तरफ से निकल के हम लोग जाएंगे सेकंड रूम का तरफ। आइए, तो सेकंड रूम का तरफ जाने से पहले मेरा इस साइड में आपको पड़ रहा है वॉशरूम। 4.6x7.5 का इधर स्पेस है। जब आप फिटिंग्स देख पा रही है शावर का यहाँ पे, ये सब कुछ आपको जो है वो ब्रांडेड कंपनी का आपको इधर पर ही सब फिटिंग्स आपको दिया जाएगा। तो अभी हम लोग वॉशरूम से निकलते ही हम लोग का लेगा सेकेंड मास्टर बेडरूम। ये हम लोगों का सेकेंड मास्टर बेडरूम, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत स्पेस दिया गया है, जो कि काफी बड़ा है ये वाला रूम, ठीक है। आपको फ्लोर जो है वो है देखिए वुडन फिनिश का आपको फ्लोरिंग मिल रहा है। इधर हम लोग का देखिए टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट का पास में आपको मिल रहा है वार्ड्रोप का पास में आपको एक बड़ा सा विंडो मिल रहा है अगेन, जो कि है आप बैल्कनी का हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये आपको बैल्कनी का साइड में आपको दोनों साइड में जो बेड साइड टेबल होता है लैंप के लिए वो दिया गया है आपका। ये मास्टर बेडरूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है, जो कि आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हम लोगों का मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी जो फिटिंग्स दिया गया है, आप देख सकते हैं ये कोलर का है, ठीक है। मतलब आपको इधर फिटिंग्स जो है वो एकदम ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेगा, ठीक है। टाइल्स भी आपको एकदम ब्रांडेड मिलेगा, आप देख सकते हैं। ये हम लोगों का है बहुत ही स्पेसियस सा वॉशरूम। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग आपको दिखाएंगे 3 BHK का मॉडल।
तो ये हम लोगों का 3 BHK का पूरा प्लान, ठीक है? तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, स्क्वायर फुट वगैरह जो है वो सब साइज आप देख सकते हैं। तो अब चलिए 3 BHK का जो मॉडल है उसका अंदर जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ 3 BHK का मॉडल। यहाँ पे भी आपको सेम जो 2 BHK में आपको मिलता है, यहाँ पे भी आपको गोदरेज का जो है वो सिक्योरिटी मिल जा रहा है। कोई भी बाहर से अगर आएगा तो आप उसको अंदर से यहाँ से आप उसको कैमरा में देख सकते हैं, उसके साथ इधर आप बात कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा हम लोग का एंट्रेंस। तो हम लोग इधर से एंट्री किए। एंट्री करने का पहले आपको इस राइट साइड में आपको मिल रहा है किचन। तो आइए किचन का अंदर आपको ले जाते हैं। तो हम लोगों का किचन स्पेस जो कि बहुत ही स्पेसिया से आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों का पहले इस साइड में आपको सिंक दिया गया है। इस साइड में आपको यहाँ पे कुकटॉप का साइड मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए बड़ा सा विंडो भी दिया गया है, ठीक है? एग्जॉस्ट है, आप लोग इधर चिमनी भी लगा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ तो जो है वो कैबिनेट सब दिया गया है सामान रखने के लिए, ठीक है? और नीचे भी आपको ऐसे मॉड्यूलर किचन का तरह से स्पेस रखने का आपको जगह मिल जा रहा है, सब कुछ रखने का। और इधर जो है बेसिन यूनिट का ऊपर सिंक के ऊपर देखिए इधर भी बहुत स्पेस है, इधर भी आप सामान वगैरह इधर रख सकते हो जो कि बहुत ही स्पेसियस है, ठीक है? तो किचन में आपको इधर यूटिलिटी एरिया भी मिल जा रहा है। ये हम लोगों का यूटिलिटी एरिया जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन का भी पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है? एज अ बैल्कनी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स किचन से बाहर आते ही हम लोग का इधर लिविंग कम डाइनिंग आ रहा है। तो चलिए अपना लिविंग, तो ये है हम लोगों का लिविंग कम डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं लिविंग कम डाइनिंग एरिया कितना स्पेसियस सबको दिया गया है। एक बड़ा सा टेबल आ जाएगा, सोफा आराम से इधर फिट हो जाएगा, सोफा के साथ साथ आप इधर टीवी यूनिट भी आपका सेट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आप इसको सजा सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। और इस लिविंग रूम का अंदर आपको साइड में एक बालकनी भी दिया गया है, जिससे अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको एक अलग सा ही नजारा मिलता है जो कि बहुत सुंदर होने वाला है। ये तो हम लोग का डेमो है इसीलिए ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन इससे जब आप बाहर देखिएगा तो आपको एकदम ग्रीनरी दिखाई देगा। जो अम्यूनिटीज मिलेगा, जो पार्क मिलेगा, जो स्विमिंग पूल आपको मिलेगा, सब कुछ आप इस बालकनी से ही देख पा सकते हैं। तो इस बालकनी से अब चलिए अंदर की तरफ जाते हैं हम लोग। तो ये डाइनिंग स्पेस आपको दिया गया है। डाइनिंग स्पेस से होते हुए हम लोग जब इधर आ गए, फर्स्ट हम लोगों का राइट हैंड साइड में मिल रहा है वॉशरूम। से इधर जो फिटिंग्स एंड फिक्सर आपको मिलेगा सब आपको ब्रांडेड मिलेगा। तो अभी वॉशरूम से निकलते हम लोग, चलिए जाते फर्स्ट बेडरूम का तरफ। तो ये हम लोगों का फर्स्ट बेडरूम, आप अंदर आइए देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेसियस है। यहाँ पे पहले एंट्री करते हुए आपको मिल रहा है यहाँ पे वार्डरोब, ठीक है? यहाँ पे देखिए वार्डरोब में बहुत सा जगह है, अच्छे से आपका सब कुछ सामान आ सकता है इसमें। और यहाँ पे एक बेड दिया गया, ये आपका जो अगर घर में कोई बच्चा है तो उसका आप रूम भी इसको बना सकते हैं, कोई चिल्ड्रंस रूम भी आप इसको बना सकते हैं या फिर गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा टीवी यूनिट दिया गया है, आप यहाँ पे टीवी रख सकते हैं, ठीक है? टीवी रख सकते हैं और यहाँ पे कुछ शोपीस वगैरह आप रख के इसमें सजा सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो दिया गया है, एकदम वॉल तक आपको विंडो दिया गया है, यह भी लॉक है। तो बहुत ही स्पेसियस है ये, आप चिल्ड्रंस रूम बना सकते हैं आप इसको। फर्स्ट रूम से निकल के अभी जाएंगे हम लोग सेकंड रूम में। तो ये हम लोगों का सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में आपका एंट्री करते ही आपको पहले जो है आपका राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा वॉशरूम। इसी यूनिट दिया गया है, इधर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। अभी वॉशरूम से निकलते ही हम लोग का बेड है, यहाँ पे आपको बेड आराम से एक बड़ा बेड यहाँ पे आ जाएगा।
बेड का इधर आपको वार्डरोब मिल रहा है जो कि बहुत ही स्पेसियस है। अगेन आप बहुत सारा सामान इसमें रख सकते हैं। और इस साइड में आपको बेड का उस तरफ जो है वो आपको एक बड़ा विंडो मिल जाएगा। और बेड का सामने ही आपको एकदम टीवी यूनिट मिल रहा है। यहाँ पे टीवी कम आप शोपीस या कुछ सामान आप इधर भी रख सकते हैं, कैबिनेट आप बना सकते हैं इधर। अभी सेकंड रूम से निकल के हम लोग थर्ड यानी कि मास्टर बेडरूम का तरफ जाते हैं। तो ये है हम लोगों का थर्ड बेडरूम और मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज आप इधर देख सकते हैं, एक बड़ा सा बेड है। ठीक, मास्टर बेडरूम में बेड का पास आपको इधर भी वार्डरोब मिल जा रहा है। तो ये आपका हिसाब से जो है वो डिजाइन कर सकते हैं कि कैसा आपका जो वार्डरोब होगा उसका डिजाइन क्या होगा। और यहाँ पे बेड दिया गया है। मास्टर बेडरूम से हम लोगों को एक बड़ा सा बालकनी मिलता है। तो ये है हम लोगों का मास्टर बेडरूम से बालकनी, जिससे अगर आप बाहर देखिएगा तो आपको एक अलग ही जो है वो व्यू मिलेगा पूरा। तो बहुत बड़ा है इधर बालकनी, आपको बहुत बड़ा बालकनी आपको मिल जा रहा है। इस बेडरूम का साथ आपको अटैच होगा अटैच वॉशरूम, आप लोग देख लीजिए। इसमें भी जो आपको फिटिंग्स एंड फिक्सर मिलेगा वो ब्रांडेड मिलेगा। 3 BHK में आपको सिर्फ मास्टर बेडरूम में और सेकेंड बेडरूम में 2 बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा और 1 कॉमन वॉशरूम मिलेगा। मतलब टोटल 3 BHK में आपको 3 वॉशरूम मिल रहा है। सो व्यूअर्स, हम लोग का इधर प्राइस जो स्टार्टिंग हो रहा है वो है 47.50 लाख से लेके 98 लाख तक। यहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK में आपको अवेलेबल मिलेगा। और आप अगर फाइनेंस करना चाहते हैं तो कोई भी बैंक से आप फाइनेंस कर सकते हैं। आपको बैंक लोन का थ्रू भी आप इसको ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो है मैंने आपको रूम टूर दे दिया है। तो अभी मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। जिसमें ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था, ये इसमें 7 टावर्स लेके ये लॉन्च हुआ था, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज 7। ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे वीडियो में कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए यहाँ पे ये 7 टावर है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम गोदरेज 7 रखा गया था। अभी जो है इस प्रोजेक्ट में और एक फेज जो है वो लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है ऑर्चर्ड गोदरेज 7। ठीक है, तो ये हम लोगों का G+23 टावर 23 फ्लोर का ये टावर होगा। तो इसमें ये जोका का पूरा जो है सबसे बड़ा टावर होगा। ठीक है, जोका प्रोजेक्ट में। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर जा रहा है, उस स्क्रीन पे नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हैं। आप यहाँ पे 10% अमाउंट देके आप बुकिंग करके भी आप इसमें फ्लैट जो है वो ले सकते हैं। इसमें आपको जो एमिनिटीज मिलेगा वो मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगी, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लेना। और यहाँ पे आपको जो 7 टावर्स मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया, उसका नीचे आपको जो फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आपको फार्मेसी, सब कुछ का आपको सुविधा मिलेगा एक प्रोजेक्ट का अंदर। मतलब आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने का कोई जो है नीड नहीं होगा। मैंने आपको ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने दिखा दिया है। इस प्रोजेक्ट का सब कुछ डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर जा रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, मेरा जो नया वीडियो आएगा उसका बेल नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जल्दी से जल्द पाने के लिए।